हेलो डे स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का एक बार फिर से शर्मा सर यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। आप सभी ने बहुत ही अच्छा प्यार दिया है अब तक के जो लेक्चर हमने जो सीरीज स्टार्ट की है, एक वीडियो में एक कंप्लीट चैप्टर हम कर रहे हैं और उसी डिमांड को देखते हुए हम आगे इसको कंटिन्यू करें। ऑप्टिक्स हमने यूनिट स्टार्ट की है, अब तक जो कंप्लीट किया है वो हम बता देता हूँ। ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आप इसमें जाके देख सकते हो। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट था मिरर फॉर्मूला वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन के अंदर रे ऑफ लाइट कैसे बेंड होती थी टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये कुछ केसेस हम कर चुके हैं, ठीक है। इसी में लेंस मेकर फॉर्मूला है, ये सब केसेस जो है स्फेरिकल मिरर है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बड़े क्वेश्चन जो आते हैं, ये हम फिनिश कर चुके हैं। फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट प्रिज्म के बारे में ये हमने कंप्लीट किया है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे किस टाइप से होता है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो पोर्शन है वो क्लास 12th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये इसके अंदर ओनली आपके पास जो हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बता दूं, स्फेरिकल के बारे में बात करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड है, एस्ट्रोनॉमिकल है, इन सभी के बारे में डिटेल से हम जानेंगे कि कैसे क्या कुछ होता है। आई का जो पोर्शन इससे हटा दिया गया क्लास 10th में जो है उसमें हम समझेंगे कि आई जो है किस टाइप से इसके अंदर डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कोई भी न्यूमेरिकल इससे एसोसिएट होता था उसको कैसे सोल्व किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा, कोई ऐसा लॉजिक नहीं, वी यू क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा होता है उसमें, जहां हमने जो चीज देखनी है फाइनल तो उसको ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। तो फॉर्मूले कैसे पुट होते हैं वो आपकी डिमांड पे हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। कोई भी अगर आपको इनमें से लेक्चर देखना, ऑप्टिक्स की जो सीरीज हमने कंटिन्यू की है एक वीडियो में एक लेक्चर हम कंप्लीट कर रहे हैं ताकि इसमें स्टूडेंट्स को बार बार विजिट ना करना पड़े, तो एक के अंदर सीरीज के अंदर कंप्लीट मिल जाए, ठीक है। तो आपको रिफ्लेक्शन बाय शर्मा सर ऐसे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप किस टाइप से काम करता है, इसका कोर्स ऑफ रे क्या है, डेफिनेशन कोर्स ऑफ रे। फिर हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन, तो सिंपली एक एंगुलर मैग्निफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे, और फाइनल जो रिजल्ट है उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसके यूजेस हैं, बिल्कुल डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे। तो देखिए सहबा, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप जो आपके पास है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मैग्निफाई, दैट इज यूज्ड टू मैग्निफाई टीनी ऑब्जेक्ट्स। टीनी मीन्स बिल्कुल स्मॉल जो ऑब्जेक्ट है उनको मैग्नीफाई करने का काम करता है कौन आपके पास, सिंपल माइक्रोस्कोप, इसलिए इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। किस टाइप से वर्क करता है, एक कन्वर्जिंग लेंस हम लेके चलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस स्मॉल फोकल लेंथ का, ये आपके पास वो कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। कोर्स ऑफ रे में ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, दो इसके फोकस है, क्लियर, ये इसके फोकस है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, कहाँ कैसे इमेज बनेगी, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। ऑप्टिकल सेंटर एफ वी यू डी क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। फिर भी किसी को बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, अपनी जो भी प्रॉब्लम जो भी क्यूरी है उसके रिगार्डिंग वो बात कर सकता है। तो देखिए बस, ये आपके पास एक कन्वर्जिंग लेंस है और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा ही हम अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, आप सभी ने देखा वो लेंस मेकर फॉर्मूला जब किया था तो हम पॉजिटिव लेके चले थे, और जो लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/V - 1/U = 1/F। कंफ्यूज मत होना, ये होता है लेंस के लिए आपके पास, और मिरर के लिए 1/V + 1/U = 1/F, ये होता है किसके लिए, मिरर के लिए। मिरर माइनस है, ये देखो लेंस जो है ऐसे लिखा, बिल्कुल सीधी लाइन सीधी ऐसे बना देंगे, बस ये माइनस प्लस में कंफ्यूजन रहता है,
तो उसको आप ऐसे दूर कर सकते हो। वी क्या होता है, वी इज यूज फॉर डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। कहां से डिस्टेंस ऑफ इमेज, इस केस में तो लेते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से, मिरर केस में हम लेते हैं फ्रॉम द पोल। और यू क्या है, यू इज यूज फॉर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एफ इज हेयर यूज फॉर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस में तो हम लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऐसे रखा जाएगा, ये कंडीशन है, आपने मिरर लेंस में पढ़ी भी है। तो आपके पास एक वर्चुअल इमेज बनती है, यहां से पैरेलल रे आएगी, पैरेलल रे कहां से पास करेगी, आफ्टर दिस रिफ्रैक्ट होगी और फोकस से पास करेगी ऐसे। सेकेंड रे अनडेविएट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी अनडेविएट सीधा निकल जाएगी। जब उनको आगे बढ़ाएंगे तो फर्दर कोई पॉइंट हमें नहीं मिलेगा जहां पे इमेज बने, तो इन दोनों को पीछे बढ़ा जाते हैं, ठीक है, पीछे आप बढ़ा सकते हैं इनको जहां पे मीट करें। सपोज यहां मीट किया उन्होंने बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे, इसको हम ए बी का नाम देंगे, ये आपके पास ए डैश बी डैश नोटेशन ऐसे हम लोग यूज करेंगे। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज इस टाइप से हम लेंगे। लेकिन यहां पे होगा क्या, अल्फा और बीटा के बारे में बता दूं आपको, ये तो सिंपल इसका डायग्राम था। अब ऑब्जेक्ट को आगे हम प्लेस करेंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हो यहाँ पे लिया जाएगा, जिसको हम ए वन बी एज इट इज नाम देंगे। यहां से एंगल बनेगा हमारे पास अलग से, दैट एंगल इस एंगल को हम लेते हैं अल्फा, ठीक है, और ये जो एंगल है इमेज के साथ बना ये है बीटा, That angle is beta. अब क्या हुआ, जब हम इसके magnification या magnifying power की बात करेंगे, वहां हम बोलेंगे it is defined as the ratio of angle subtended by the image at the eye to the angle subtended by object at the eye at the same least distance of distinct vision. कि जहां पर object और image को हमने दोनों को एक equal distance पे रखा हुआ है। एंगल कैसे वेरी करता, अब यहां है यहां, मैं से आई से देख रहा हूं तो एंगल अलग है, और पास लेके आऊंगा तो एंगल और चेंज हो जाएगा। तो एंगल इसी टाइप से, यहां ऑब्जेक्ट है यहां लेके आए तो एंगल सेम नहीं रहेगा, ये बीटा एंगल जो है इमेज के साथ एसोसिएट हो गया। यहां जैसे ही आई रखेंगे तो उसको इसकी इमेज जो है वो किस पॉइंट पर नजर आएगी, ये जो हमने पॉइंट ए डैश बी डैश से इसको डिनोट किया वहां पर नजर आएगी। कैसी इमेज है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, और साइज जो इसका ज्यादा है, ठीक है, लार्ज साइज हम बोल सकते हैं, इन लार्ज व्यूज भी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लार्ज साइज। तो इस टाइप से फाइनल इमेज यहां पर बनी। ओके, तो डेफिनेशन से हमने क्लियर किया, इट इज दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू सी द मैग्निफाई इमेज ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट। ओके, कहां यूज होता है, जो ज्वेलर्स हैं, ज्वेलरी शॉप है, फाइन स्ट्रक्चर के लिए छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं, या फिर वॉच मेकर हम कह सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स के द्वारा लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है, जो भी लैब होती है, लेबोरेटरी, फिजिक्स लेबोरेटरी, उसके अंदर वर्नियर जो स्केल होता है उसके काउंट मेजर के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो हम इसके कोर्स ऑफ रे क्या है, कोर्स ऑफ रे में किसकी बात की जाती है, आपको जो कंप्लीट करना है कोर्स ऑफ रे, उसमें हम बताएंगे कि जो कन्वर्जिंग लेंस लिया है उसका ऑप्टिकल सेंटर सी है, दो इसके अंदर फोकस है जैसा कि आप देख सकते हो, वन टू क्लियर। उसके बाद ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, यहां रखा हुआ इसको जैसे ही बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर हमने किसको ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। अब यहां से होगा क्या, पैरेलल रे आएगी पास करेगी यहां से, कंप्लीट ये बताना कि आफ्टर दैट इरेक्ट वर्चुअल एंड इन लार्ज लार्ज साइज इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, तो ये सब चीजें इसके अंदर बतानी है, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं यू सिंपली, फोकस के लिए हम यूज करते हैं एफ फोकल लेंथ। तो ये सब पैरामीटर इसके अंदर हमने लिख दिए। अब कोर्स ऑफ रे के अंदर ये सब चीजें लिखने के बाद हम इसके बात करेंगे मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, देखिए बस
मैग्नीफाइंग पावर, जैसा कि इसका फॉर्मूला में पता है, अभी मैंने मैग्नीफाइंग पावर के बारे में आपको बताया कि क्या डेफिनेशन होगी, किस टाइप से लिखेंगे, तो मैग्नीफाइंग पावर को छोटे एम से लिखा जाता है, ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन है बोलते हैं इसको। तो क्या होता है, एम जो होता है रेशो होती है, किस किस की रेशो होती है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, और जो लेंस है बिल्कुल आई के बिल्कुल क्लोज रखा हुआ है। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला होगा, एम इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वान्टिटी है, कोई यूनिट नहीं होती इसकी, एम इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। अब बीटा अल्फा निकलेगा कैसे, बीटा के लिए हम सिंपली इस ट्राइंगल का यूज करेंगे, ये ट्राइंगल आप देख पा रहे हो, ठीक है, मैं यहां से इसको अलग से लिख रहा हूं, ये बीटा के लिए है, क्या क्या नाम, अब एंगल तो सेम रहेगा, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, एंगल के अंदर कोई चीज कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ए बी दैट इज सी। और जब एंगल अल्फा की बात होगी तो एंगल अल्फा ये आप देख सकते हो, ये दैट इज टेंजेंट अल्फा, ठीक है। उसके बाद इस यहां से क्या लिखेंगे, एज एंगल्स आर स्मॉल, एज एंगल्स आर स्मॉल सो वी कैन राइट थीटा इज नियरली इक्वल टू टेंजेंट थीटा, सिमिलर वे एम इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा बाय टेंजेंट अल्फा, ठीक है। अब टेंजेंट आप सभी को पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस के फॉर्मूले से टेंजेंट बीटा आपके पास क्या आएगा, ए बी डिवाइड बाय में बी सी, ए से बी डिवाइड बाय में बी से सी। सिमिलर वे टेंजेंट जो अल्फा होगा वो क्या होगा, ए वन बी वन, ए वन बी डैश, जो हमने जो भी नाम दिया इसको ए वन बी डैश, दैट इज इक्वल टू बी डैश सी, ठीक है। तो इस टाइप से इस फॉर्मेट में उसको लिखेंगे। अब आप सभी को पता है कि साइज जो सेम ए से बी वही है जो ए वन बी डैश है, तो इसको हम क्या कर देंगे, सिंपली कैंसिल आउट करेंगे, तो एम की वैल्यू क्या आएगी, बी डैश सी बोल देते हैं कुछ इसको, सी बी डैश सी बोलते हैं कि सी से मेजर की जाती है, तो वो लॉजिक भी आप यहाँ लगा सकते हो, सी से बी भी इसको लिख सकते हैं। अब सी से बी डैश है क्या, कैपिटल डी, ठीक है, नेगेटिव है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ये आपके पास यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास क्या है, यू, तो आपके पास आंसर है एम इज इक्वल टू डी बाई यू, ये रिजल्ट यहां से आपके पास आया। बट अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या है, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, ये फॉर्मूला होता है, दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई की किसके साथ, वी के साथ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई वी, तो वी से मल्टीप्लाई करें तो कैंसिल, वन माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू वी बाई एफ। यहां से जो आपके पास साइन है इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो आपके पास बनेगा वी बाई यू दैट इज इक्वल टू ये साइड है वन माइनस वी बाई एफ, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास ये रिजल्ट आया, यहां से v बाई यू, वी बाई यू होता क्या है, मैग्निफिकेशन m, ठीक है, तो ये आपके पास v की जगह क्या पुट करो, v यहां से यहां तक इमेज बनी थी और लेफ्ट में है, तो माइनस d इसकी जगह यूज करेंगे, तो माइनस माइनस d डिवाइड बाई में f, तो ये आपके पास बनेगा वन प्लस डी बाई एफ, तो इसका रिजल्ट आएगा फाइनल मैग्निफिकेशन का जो आपके पास यहां लिखा गया है। इसको आप सिंपली पहले d लिखने के बजाय यहां से v लिख सकते हो, v बाई यू, ठीक है, ताकि आपको कोई इसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आपके पास m इज इक्वल टू v बाई यू, या फिर v बाई यू को चेंज करके हमने नया नाम दे दिया वन प्लस डी बाई एफ इन द फॉर्म ऑफ d, m बी द फोकल लेंथ है जो गिवन होगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए फोकल लेंथ आपके पास जो होगी, ठीक है, गिवन d, आपको मैग्निफिकेशन निकालना हो ये होगा, उसकी कोई यूनिट कोई डिमेंशन नहीं होंगे। नंबर टू, यूजेज अगर लिखने पड़े वॉचमेकर के द्वारा, ठीक है, ज्वेलर्स के द्वारा, ज्वेलरी शॉप में, या फिर साइंस लेबोरेटरी, वी कैन से इन द फिजिक्स लेबोरेटरी, वी कैन यूज दिस सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, ओके। तो इस टाइप से था आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, एरो का अपना एक मीनिंग है, एरो जरूर लगाए, पता लगे नोटेशन कहाँ से इमेज ऑब्जेक्ट से रे आई है और कहाँ ट्रेवल उसने किया है, कहाँ से पास किया, ओके। देखिए शाबाश, इट इज
दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज यूज्ड, दैट इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग हाईली मैग्निफाइड इमेज, हाईली मैग्निफाइड इमेज ऑफ, हाईली मैग्निफाइड इमेज ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट, जो छोटे ऑब्जेक्ट हैं, टीनी ऑब्जेक्ट हैं, उनकी हाईली मैग्निफाइड इमेज के लिए हम यूज करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप भी एम्पलीफाई करता है, लेकिन बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करता है। किसकी हेल्प से? इसके अंदर दो लेंस लगे होते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ कम होती है, आई लेंस की उससे कंपैरिजन में ज्यादा होती है। किस टाइप से अरेंजमेंट होता है, कहाँ ऑब्जेक्ट होता है, किस टाइप से इमेज बनती है, फाइनल इमेज कैसे बनती है, मैग्निफिकेशन कैसे आता है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। आइए से अब स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए सर, बस ये कोएक्सियली रखे जाते हैं दोनों के दोनों लेंस। सबसे पहले आपको पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव जो लेंस है एलओ ये बनाना है। ऑब्जेक्ट जो है इसके दो फोकस होंगे, उनके इन बिटवीन, ये जो आपके पास फोकस है यहां पे ऑब्जेक्ट रखना, आपको इन बिटवीन रखोगे तो आपके पास वर्चुअल अभी जो हमने किया था वही सेम काम आ जाएगा, बिल्कुल जो अभी करके आए हैं। यहां से जो इसका फोकस होगा वहां से पास करेगी करी, एक जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से विद द हेल्प ऑफ स्केल आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपके पास फाइनली जो इमेज है वो बनेगी इस ऑब्जेक्ट की, ए बी, ए डैश बी डैश, ठीक है। जैसे यहां इमेज बने तो उसके हिसाब से आपको यहां पे एक आई लेंस इस टाइप से बनाना है, ठीक है। ये आपके पास आई लेंस होगा, यहां से जैसे ही रे आपके पास आएंगी, ठीक है, पास करेंगी फर्दर इस टाइप से, उनको पीछे बढ़ाओगे तो एक पॉइंट पे, ठीक है, तो बोर्ड के अंदर मैं आपको शो करूं, तो यहां पे आपके पास फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश विद द हेल्प ऑफ दिस, तो इसका कंप्लीट डायग्राम ये है। ये आपके पास आई लेंस है, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसके लिए मैंने एल ओ यूज किया है, इसके लिए एल ई, ये आपके पास यहां पे आई है जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या, ये ऑब्जेक्ट था यहां जो हम लेके चले थे, ऑप्टिकल सेंटर था ये इसका, सी ओ से लिखेंगे इसको, फोकल लेंथ इस बार इसकी एफ ओ से लिखेंगे। यहां जो इमेज आएगी, इस बात का ध्यान रखना आपको, इसका फोकस जो होगा और इसका ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट इस प्रकार से हम प्लेस करेंगे, इस लेंस को इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे ताकि ये जो यहां पर फाइनल इमेज आई है ये इन दोनों के इन बिटवीन, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस एंड द फोकस ऑफ आई लेंस, इनके बीच में आए, तभी आपके पास क्या होगा, एक वर्चुअल एंड इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज ये जो लेंस है इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है और फाइनल इमेज ये, मतलब हुआ क्या, ये जो इमेज बनी है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस बट इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू दिस, साइज बड़ा है इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो इन्वर्टेड है, और इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या है आपके पास बिल्कुल सीधी। एरो का अपना मीनिंग है, कोई बच्चे यहाँ पे डबल एरो लगाते हैं वो भी गलत होता है, यहाँ एरो लगा देते हैं वो भी गलत है, ये मेथड जो है यहाँ पे जो दर्शाया गया दिखाया गया आपको बिल्कुल इसी प्रकार दिखाया गया। कुछ एक बच्चे इसको ऐसे बना देते हैं गलत है, इसको हटा देते हैं ऐसा बनाते हैं, वो बिल्कुल गलत है बेटा, रॉन्ग है, तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जब भी आप इसको करेंगे, उम्मीद करता हूँ आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब होता क्या है, आपके पास अकॉर्डिंग टू मैग्नीफाइंग पावर जब हम करेंगे, यहां से बिल्कुल इसको ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास कर देना है, ठीक है, ये जो एंगल होगा यहाँ पे फाइनल इमेज का बीटा, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर देंगे हम इस पॉइंट पे बिल्कुल एट द सेम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो हमने पढ़ा था वही यहां तक, ठीक है। अब यहां से इसको बिल्कुल एज इट इज ऐसे, ये एंगल होगा अल्फा, ठीक है, अल्फा बीटा दोनों के दोनों आ चुके हैं, यू वी सब के बारे में लिखेंगे, ये आपके पास है यू नोट, ठीक है,
यहां से आपके पास जो इमेज बनी फाइनली वो आपके पास क्या वी नॉट, इसकी फोकल लेंथ जो आपके पास फोकस ये है एफ नॉट। ओके फाइनली जो इमेज बनी है इसके रिस्पेक्ट में आई लेंस के रिस्पेक्ट में वो क्या है आपके पास यहां से लेकर यहां तक, ये आपके पास VE है, जहां ऑब्जेक्ट है आपके पास ये UE है, इन सब के बारे में हमने लिख दिया, ये आपके पास FE है। तो ये कंप्लीट सभी चीजें ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट हमने इसके अंदर ड्रॉ कर दी है, लिख दी है, आप देख सकते हो, चाहे तो सर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ सकते हो कैसे क्या हुआ है। ऑब्जेक्ट था, यहां से रे आई, एरो से मैंने रिप्रेजेंट किया उनको, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी विदाउट एनी डेविएशन, पैरेलल आई, फोकस से पास करेगी, ये फोकस था किसका ऑब्जेक्टिव, ओ से ऑब्जेक्टिव है, ई से आई लेंस है, ताकि किसी टाइप की कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो। ओके अब जब हम मैग्निफिकेशन करेंगे, कोर्स ऑफ रे मैंने आपको सारा समझा दिया है, आपको कोर्स ऑफ रे में कंप्लीट लिखना है, कोर्स ऑफ रे, इसके अंदर हमने क्या किया है, टू कन्वर्जिंग लेंस वी कैन से, दो लेंस हमने यूज किए हैं इसके अंदर, कौन कौन से किए हैं, एक तो हमने किया ऑब्जेक्टिव लेंस और नंबर टू आई लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है एज कंपेयर टू आई लेंस वो स्मॉल है, क्या कह सकते हैं जो साइज है वो स्मॉल है किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का एज कंपेयर टू आई लेंस। ठीक है, कितनी इमेज बनी है, एक इंटरमीडिएट इमेज है ऑब्जेक्ट की और फिर एक फाइनल इमेज है, जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है ये इसकी वजह से एक और इमेज बनी है, अगर इसको हटा दिया जाए तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा, पीछे का जो पोर्शन है ये यहां से इस साइड का आई लेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो बिल्कुल एक प्रकार जो अभी सिंपल माइक्रोस्कोप करके हैं बिल्कुल एज इट इज वही आएगा भी, अभी निकाल के देखेंगे। तो इसमें इतना आप लोगों क्लियर हो गया, फिर हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर जिसको किससे लिखते हैं एम से, एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोल देते हैं इसको, कोई यूनिट कोई डिमेंशन नहीं होता एम, तो एम क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट बाय द फाइनल इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, ओके एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वी कैन से, ये होगा इसका पूरी डेफिनेशन कंप्लीट जो मैग्नीफाइंग पावर है। इतना करने के बाद हम यहां से इसका डेरिवेशन अभी सॉल्व करेंगे, तो किस प्रकार से करेंगे देखिए, सेबस ये सब जैसे आप लिखेंगे उसके बाद अब देखिए सेबस एम मैग्नीफाइंग पावर एम इज इक्वल टू क्या होगा बीटा बाय अल्फा। ओके एज एंगल्स आर स्मॉल सो वी कैन राइट इट लाइक टेंजेंट बीटा बाय टेंजेंट अल्फा। अब टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस अभी मैंने बताया है, परपेंडिकुलर ए डबल डैस बी डबल डैस डिवाइडेड बाय में सीई बी डबल डैस सीई बी डबल डैस डिवाइड बाय में टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा क्या परपेंडिकुलर, इसको मैंने ए वन का नाम दिया ए वन, ए वन बी डबल डैश डिवाइडेड बाय में सी ई बी डबल डैश हो गया कंप्लीट। जो कैंसिल हो कैंसिल करना, क्योंकि सी ई बी डबल डैश कॉमन दोनों में तो कैंसिल हुआ, तो ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाय में ए वन बी डबल डैश। उसके बाद फर्दर जो हमें करना हो क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश फॉर्मूला बनाने के लिए ओनली, इसको एक साथ रखेंगे और इसको एक साथ, तो आपके पास बना ए डबल डैस बी डबल डैस डिवाइड बाय में ए डैस बी डैस मल्टीप्लाई ए डैस बी डैस डिवाइड बाय में ए वन बी डबल डैस। ओके ए वन बी डबल डैस है क्या एक्चुअल में, है क्या ए बी, तो हम इसकी जगह यहां पे क्या लिखते सिंपली ए बी। ओके तो इमेज बाय ऑब्जेक्ट कुछ नजर आ रहा होगा आपको, फाइनल इमेज बाय में ऑब्जेक्ट, इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कौन है ये, तो मैग्निफिकेशन हुआ किसका आई लेंस का, ये मैग्निफिकेशन है किसका आई लेंस का एम ई, ये मैग्निफिकेशन इमेज बाय में ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन किसका ऑब्जेक्ट का, तो फाइनल जो मैग्निफिकेशन आया है वो इन दोनों लेंस के मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के इक्वल है। ओके
इन दोनों के मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट की क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन जो आई लेंस है ये बिल्कुल एज इट इज काम करेगा, जो किसने किया सिंपल माइक्रोस्कोप ने, एज वी नो दैट एम ई क्या होगा 1 + d/f, एफ कौन सा, एफ ई, क्यों, आई लेंस की हम बात कर रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो फॉर्मूला आएगा, माइनस साइन क्यों यूज किया है, इसलिए यूज किया है, यहां ऑब्जेक्ट ऊपर है, यहां इमेज जो नीचे बनी है वहां सीधी बनी थी, बिल्कुल डायरेक्ट, तो मैग्निफिकेशन आएगा माइनस वी नॉट बाय में यू नॉट। तो फाइनल मैग्निफिकेशन क्या है, फाइनल मैग्निफिकेशन आएगा माइनस वी नॉट बाय यू नॉट 1 + d/f e। यहां तक भी कर सकते हो, आगे एक दो लाइन लिखना चाहो तो कंप्लीट आगे फिर लिख सकते हो, अदरवाइज ये जो होगा आपके पास मैग्निफिकेशन होगा इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, एक बार दो बार, ऐसा नहीं किसी बच्चे को एक बार में आता है, किसी को दो में, किसी को तीन में, तो बार बार आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हो ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर हम जैसे जैसे इनके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे अभी आपके जो एग्जाम आएंगे, जो डेट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम अपना रिविजन कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो दो अब तक हमने किए सिंपल और कंपाउंड, अब हम एस्ट्रोनॉमिकल के बारे में बात करेंगे कि एस्ट्रोनॉमिकल के अंदर किस टाइप से होता है, फिर रिफ्लेक्टिंग टाइप जो है टेलीस्कोप उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए से बस जानते हैं उसके बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल। आइए से बस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में जानते हैं किस टाइप वर्क करता है, इसके दो केसेस हैं और दोनों के बारे में हम बात करेंगे। फिर जो हमारा चैप्टर है, वैसे तो इसके अंदर आई भी है, रिफ्लेक्टिंग टाइप माइक्रोस्कोप, ये भी है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और उसके बारे में बात करने, अगर किसी बच्चे को इसकी नीड है तो वो मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में कि सर हाँ, अदरवाइज ये तीन ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, सिंपल है, कंपाउंड है और एस्ट्रोनॉमिकल है। सिंपल और कंपाउंड हमने अभी किया है, अब हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल, तीन में डिफरेंस क्या है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। और इसके बाद हम वे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, हाइजन प्रिंसिपल, इन सब के बारे में जानेंगे, कैसे वर्क होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मैक्सिमम मिनिमा, तो उसके बारे में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके बाद जो यूनिट आप कहेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस है या यूनिट फर्स्ट है उससे हम कंटिन्यू कर देंगे। और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो, तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना मैक्सिमम शेयर हो सके, कमेंट हो सके, तो अपना सपोर्ट करें ताकि हम भी अपना जो है ये कंटिन्यू रख सकें, ओके। तो देखिए जाए बस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसके दो केसेस हैं, ठीक है, और दोनों का डायग्राम लगभग सेम है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो दोनों को हम एक साथ कंटिन्यू करेंगे। एक केस में है कि किसी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फाइनल इमेज बने, और एक केस है कि फाइनल इमेज आपके पास इन्फिनिटी पे बने, ओके। किस लिए यूज में ला जाता है, सिंपल तो था, मैग्निफाई करता है ऑब्जेक्ट को, बड़ा करके दिखाता था, और कंपाउंड जो था वो क्या करता है, हाईली मैग्निफाई। और एस्ट्रोनॉमिकल क्या करता है, जो भी स्टार हैं, गैलेक्सी हैं, उनके बारे में जो ऑब्जर्वेशन होती है वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। होता क्या है, इसमें भी दो लेंस होते हैं, जैसे अभी हमने कंपाउंड के अंदर किया, बट इसमें उससे अपोजिट होता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ पहले केस में कम थी कंपाउंड के केस में, अब क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आई लेंस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कोएक्सियल को प्लेस किया जाता है, यहां से फाइनल इमेज ऐसे इन्फिनिटी से आती है, इन्फिनिटी से ट्रैवल करती है, ठीक है, इन्फिनिटी से ऐसे आके एक पॉइंट पे सभी मीट करती है। सपोज ये वो पॉइंट है, यहां पे इमेज आपके पास बनेगी, यहां पे ऐसे, ठीक है, आईलेंस बना देता है ऐसे, थोड़ा अच्छी प्रकार से बनाएंगे आप इसको, यहां से फिर क्या होगा, इन केस ऑफ फाइनल इमेज फॉर्मड एट इन्फिनिटी की आपके पास आई लेंस है, एल ई से लिख देता हूं मैं इसको, एल ओ से लिख रहा हूं ऑब्जेक्टिव लेंस, इस प्रकार से रे आई है, ये इसका सेंटर है, इसका ऑब्जेक्टिव लेंस का, ये जो आपके पास आई लेंस का,
यहां से जब जैसे ही यहां से फाइनल रे जाएंगी इस प्रकार से जाएंगी कि वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल जाएंगे, तो उनको पीछे बढ़ाएंगे तो किसी पॉइंट पे ऐसी संभावना नहीं कि कहीं मिलेंगे। बिल्कुल जब पैरेलल रे जाती है, ठीक है, पैरेलल जाएंगे यहां से जैसे ही होगा आपके पास, तो इन्फिनेटी पे मीन्स उस केस में हम बोल सकते हैं कि एट इन्फिनेटी, इन्फिनेटी के पॉसिबिलिटी है कि जो इमेज है आपके पास वो कहां बनेगी, एट इन्फिनेटी, इन्फिनेटी पे आपके पास फाइनल इमेज होगी। ओके, तो इन्फिनेटी पे होगी, तो इन्फिनेटी की हेल्प से हम यहाँ पे तो रे इसकी हेल्प से बनाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन सा, इसको हम ए डैश बी डैश का नाम दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको यहां से ऐसे मिला देंगे बिल्कुल पैरेलल। तो यहां से फिर होगा क्या, देखिए शहबाज, तो यहां से हमें इसको अल्फा एंगल मानना है और ये आपके पास फाइनल इमेज के साथ बीटा। ओके, यहां से यहां तक है क्या फोकल एफ नॉट, ऑब्जेक्टिव लेंस ये क्या एफ ई, देख सकते हैं आई लेंस की जो फोकल लेंथ बहुत ही कम है। अब कैसे पता चला कि सर एफ ई है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाता है तो फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म होती है, एट इन्फिनिटी। तो वही केस, सेम केस यहाँ पे हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है इनका अरेंजमेंट इस टाइप से कि जो फाइनल इसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो यहाँ होगी कि इसके बिल्कुल फोकस पे होगा, फोकस पे होगा तो आप सभी को पता है डियर स्टूडेंट, तो इमेज जो होगी कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। ये केसेस मैंने बहुत ही अच्छे से बताए थे, टोटल 6 और +2 8 केसेस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, किस टाइप से फाइनल इमेज बनती है, सेम मिरर के केस में या फिर लेंसेज के केस में। तो यहां से देखिए सर, बस एफ ई एफ ओ ये सब कुछ लिख दिया हमने, बीटा अल्फा, तो उसके बाद हमारा काम रहता है सिर्फ मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर, एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। सिमिलरली एंगल स्मॉल है तो बीटा को हम टेंजेंट बीटा लिखेंगे और अल्फा को टेंजेंट अल्फा। अल्फा और बीटा क्या होंगे, टेंजेंट बीटा आपके पास क्या होगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय मी सी ई बी डैश, सी ई बी डैश डिवाइड बाय मी, टेंजेंट अल्फा क्या होगा, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय मी ए डैश बी डैश डिवाइड बाय मी सी ओ बी डैश, ये तो कैंसिल होगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये सी ओ बी डैश डिवाइड बाय मी सी ई बी डैश है क्या, ध्यान से देखो, सी ओ बी डैश एफ नोट है, एफ नोट हमने इसको लिख दिया सी ई बी डैश, सी ई बी डैश यहाँ ये डिस्टेंस है इससे, इस लेंथ से इस साइड, तो इसको नेगेटिव में लिखेंगे और किससे लिखेंगे, माइनस एफ, तो ये आपके पास मैग्निफिकेशन एंगल और मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो उस केस में क्या होगा, देखिए बस ऐसा है बिल्कुल केस वो लेके चलेंगे हम, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस है ये आपके पास, यहाँ से रे आई, एक ये रे है, ठीक है, इन दोनों ने जहां मिलाएंगे, सपोज इसकी बात करें, एक मिनट, वेरी स्मॉल एंगल विद द बिल्कुल इसके ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे ऐसे, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहां से जैसे ही होगा तो यहां से इस टाइप से निकलेंगे रे, कि एक डिस्टेंस पे जब उनको मिलाया जाएगा, पीछे की तरफ बढ़ाया जाएगा, तो एक पॉइंट आएगा जहां पे आपके पास फाइनल इमेज क्या होगा, एक्चुअल में जो आपके पास ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश, और ये आपके पास ए डबल डैश बी डबल डैश या ए डैश बी डैश ऐसे मान सकते हो, ऑब्जेक्ट इज स्टिल एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी पे, और फाइनल इमेज जो है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वी कैन राइट हियर, इस प्रकार से फॉर्म हो जाएगा। सिमिलर वे में ये एंगल अल्फा होगा और यहां से जो आपके पास जो एंगल होगा ये एंगल बीटा, ओके, और फाइनल इमेज आपके पास यहाँ बन चुकी है। होगा क्या, अब ये इसके फोकस पे नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसका फोकस जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, इसका जो फोकस है वो यहाँ है एफ ई का, ओके, इसका फोकस ये है एफ, दोनों का फोकस इस बार सेम नहीं है, ठीक है, दोनों का फोकस जो चेंज हो चुका है, फोकस चेंज होने से हमारे पास होगा क्या, ध्यान से देखना चाहिए, बस फोकस चेंज होने से ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसके इमेज इस पॉइंट पे हमें मिली फाइनली, अल्फा बीटा को एंगल हमने लिया है यहाँ पे अल्फा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा, फाइनल इमेज जहां बनती है इसको तो लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स यू ई, मतलब कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस लेके चले तो हम इसको यू वी ओ
ये ऑब्जेक्ट के लिए, वी इसके लिए। अब ये जो है इसके लिए तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, यू ई। फाइनल में इसको हमने डी से लिख दिया। सेम रूल वही, एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, एंगल स्मॉल, टेंजेंट बीटा, टेंजेंट अल्फा, ये बिल्कुल सेम रहेगा सभी केसेस में, इसलिए आपके लिए इजी भी हो जाता है इसको करना, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालो। टेंजेंट बीटा क्या होगा आपके पास, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय में, ये आपके पास इसका ऑप्टिकल सेंटर सी ई, सी ई बी डैश, इसके डिवाइड में किससे डिवाइड करोगे, टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा क्या है, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय में सी ओ बी डैश। सी ओ क्या है, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, सिंपल, नो सो मच चेंज। तो सी ओ बी डैश डिवाइड बाय में सी ई बी डैश। अब देखो सी ओ बी डैश है क्या, वी ऑब्जेक्ट की वजह से ना, ठीक है, वी ओ लिखा इसको। सी ई बी डैश क्या है, सी ई बी डैश ये आपके पास के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और माइनस साइन ड्यू टू साइन कन्वेंशन, तो ये आपके पास का होगा मैग्निफिकेशन, जो हमें निकालना था। दोनों के इस प्रकार से करें कोर्स ऑफ रे मैग्निफिकेशन। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहें तो डी स्टूडेंट्स को आप यहाँ से एफ नोट भी यूज कर सकते हो, बिकॉज फाइनल जब इन्फिनिटी से रह जाते हैं तो आपके पास फोकस पे मिलते बनती है, आपके पास फोकस पे फाइनल इमेज बनती है। ओके okay?